What's up guys? आज की वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंटली और इफेक्टिवली कैसे बोलना है वो सीखेंगे। मैं जो टिप शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव भी है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने भी ये टिप्स ट्राई किए हैं और वो सक्सेसफुली इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरा सिखाने का और समझाने का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट है, इसलिए ये वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और पूरा देखिए। अभी हम इंग्लिश स्पीकिंग को तीन हिस्सों में ब्रेक करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हेयरड्रेसर्स के लिए ही नहीं, वो उन सब के लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव रहेगा जो कि इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में उनको दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले हम वो फिल्टर को हटाएंगे, वो फिल्टर जिसको हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी में सोचते हो फिर हिंदी को इंग्लिश में मन में ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलने की कोशिश करते हो, सो उस वजह से जो है वो चक्कर में आपका इंग्लिश स्पीकिंग का जो इफेक्टिवनेस है, फ्लुएंसी है, वो खराब हो जाएगा या फिर उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अगर आप ये ट्रांसलेशन को या फिल्टर के साथ भी थिंक करने की कोशिश करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, लेकिन आपका हाल कुछ इस तरह से रहेगा। सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश, दिस इंग्लिश कोचिंग नॉट ए लोकल लैंग्वेज। एक्चुअली टॉक वाज दैट सर जी की डिस। होल्ड स्टॉप, सॉरी सर, सॉरी का बेबी, यू टुगेदर थिंकिंग इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग? नो, never, not. English is speaking not a children play. English is speaking like a undertaker play. Taj Mahal create. Taj Mahal create. Yes. Again time. Careful. Again time this behavior. So touch to my fingerprint. You chick. So big chick. You chick. Red red chick. Understand? Yes sir. The postman, the busy man, the collector letter from the fever. Student chat banda. ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन बहुत इजी है, हम सोचना ही इंग्लिश में चालू कर देंगे सो फिल्टर नहीं रहेगा, हम जो है ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो चक्कर कर रहे हैं, वो होगा ही नहीं, इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे। लेकिन हम इंग्लिश में सोचे ही कैसे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसे समझने के लिए हम जो है किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स या फिर जूनियर केजी के स्टूडेंट्स उनको देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उनको अगर रेस्टरूम में जाना है तो वो हाथ खड़े करके आसानी से बोलते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट नाउ। क्या उनको ये वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, जो सेंटेंस वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में उनको मीनिंग नहीं मालूम है? उनको मालूम है, ऐसा भी नहीं कि वो मे आई गो टू टॉयलेट बोल रहे हैं और फिर बाहर खेलने जा रहे हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम है और उनका इसमें काम हो जाता है। चाहे उन्होंने ए टू जेड अभी तक पूरा सीखा भी नहीं हो, लेकिन वो जो कम्युनिकेट करना है वो बहुत इजीली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। अभी आप मुझे एक बात बोलना, क्लाइंट आपके चेयर पे आके बैठता है तो वो आपसे क्या पूछेगा, आज के न्यूज़पेपर की टॉप 10 हेडलाइंस मुझे पढ़ के सुनाओ? नहीं। या फिर आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो और इंटरव्यूअर आपको बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुनाना या फिर ओम्स लॉ क्या है, और उसके सामने आप हाथ फोल्ड करके ऐसे बोलोगे द करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड एट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, और वो ताली मार के बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉब आपका है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? सो आपके क्लाइंट्स या फिर आपका इंटरव्यूअर आपको जो भी पूछेगा वो आपके करियर रिलेटेड या फिर आपके जॉब रिलेटेड ही पूछेगा। तो आपको बस एक बहुत सिंपल सा काम करना है, वो कि एक लिस्ट बनाना है आपके करियर के रिलेटेड, आपके जॉब के रिलेटेड या फिर आपके टूल्स इक्विपमेंट सर्विसेज, इन सब के बारे में एक लिस्ट बनाना है और फिर एक चीज करनी है कि वो लिस्ट के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राउंड ब्रश, अभी राउंड ब्रश को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? राउंड ब्रश इज मोस्टली यूज फॉर स्टाइलिंग और ब्लू ड्राइज। अ राउंड ब्रश हैज अ मेटालिक आयनिक बैरल दैट हीट्स अप एंड स्प्रेड्स और डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इवनली ऑन बोथ साइड्स व्हाइल ब्लू ड्राइंग। अ राउंड ब्रश कम्स इन डिफरेंट डायमीटर्स व्हिच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड रिजल्ट्स लाइक बाउंस कर्ल्स और वेव्स। या फिर आप कोई सर्विस ले लेना जैसे कि हेयर स्पा। अभी हेयर स्पा को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हेयर स्पा इज अ अमेजिंग सर्विस, helps
regain the lost moisture of damaged hair, as well as it promotes hair growth by improving blood circulation in the scalp. आपका जब सब रिसर्च हो गया और सारे प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर पाओगे, उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सारे जो वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जैसे डायमीटर, सर्कुलेशन, डेवलपर, जो भी वर्ड्स है, उन सबके मतलब आपको सर्च करने है गूगल पे और समझना है. ऐसा ना हो कि आप बोले जा रहे हो रट्टे तोते जैसे, क्लाइंट कुछ पूछ रहा है और आप कुछ और ही बोल रहे हो और आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो. आपका हाल कुछ ऐसा ना हो जाए. How are you? Fine. साहब कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा How are you? Fine. अरे यार तुम लोग इंग्लिश ही बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार. How are you? मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हो. ये जो न्यू वर्ड्स है, ये जो नॉलेज है, वो एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपके माइंड के अंदर. जैसे कि अगर हमको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, सो हमें एक प्लॉट, ईंट, सीमेंट, रेत, वो सब लगते हैं, वैसे ही ये नॉलेज और वर्ड आपके माइंड में एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, जिससे इंग्लिश में सोचने का कंस्ट्रक्शन आपका माइंड स्टार्ट कर देगा. सेकेंड टिप है मेंटल प्रैक्टिस. ये मेंटल प्रैक्टिस क्या होता है? बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली सभी लोग करते हैं जब उनके पिछवाड़े पे आग लगी होती है, या फिर अगले दिन उनका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, या फिर वो कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, तब उनका माइंड फोकस होता है. नहीं तो नॉर्मली फ्री टाइम में हम पबजी या फिर टिकटॉक या सोशल मीडिया, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं. इसे समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. ये एक्चुअल में जाकिर खान ने शेयर किया था. आपको मालूम है कॉमेडियन सख्त लौंडा पिघलना नहीं है, राइट? वही जाकिर खान. जाकिर खान ने शेयर किया था कि जब वो छोटे थे, बचपन में वो उनके डैड के साथ चाय पीने एक स्टॉल पे गए थे, और जब वो स्टॉल पे गए तब एक आदमी ने आया और बोला ए छोटे चल दो चाय लेके आ. इस तरह से उसे बोला और उन्हें काफी बुरा लगा, स्पेशली उनके डैड के सामने उनको ऐसा बोला, और वो चाय वाले जैसे दिखते भी थे, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अरे जाने दो, मन में नहीं रखते, क्यों सोचना है उसके बारे में. नहीं, उन्होंने वो चीज के बारे में सोचा, काफी बार उसको वो जो सीन है उनके दिमाग में वो चला, और उन्होंने वो टाइम पे जवाब भी सोच लिया. नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मेरे पास तो जवाब नहीं था, लेकिन अगली बार अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा. नेक्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा ही कोई इंसल्टिंग सिचुएशन हुआ, लेकिन सामने वाले ने कुछ और बोल दिया, उसका जवाब उनके पास था नहीं, लेकिन ऐसे ही सोच सोच के उनके पास जवाबों की एक आर्मी खड़ी हो गई पीछे. सो अब भी आज के टाइम में अगर कोई ऑडियंस में से उन्हें कुछ भी बोल दे, फट से एक जवाब उनके पास रेडी रहता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो सारे चीजें सोच के रखे हैं. मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि आप जो है आपके इंग्लिश में ये चीज प्रैक्टिस करो. क्लाइंट क्या बोल सकता है, क्लाइंट ने ये पूछा तो क्या. आप जब सर्विस कर रहे हो तब सोचो कि क्लाइंट को मैं ये चीज इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करूं. इस यही सोच के वजह से ऐसे ही आप एक आर्मी अपनी खुद की इंग्लिश की बिल्डअप कर लोगे, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कुछ पूछेगा तो आप फट से आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आपने ऑलरेडी इंग्लिश में उसका आंसर सोच के रखा है. और अगर आप ये तीन टिप्स को 7 दिन तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट्स क्लियरली दिखाई देंगे. आपकी इंग्लिश जो है ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने लग जाएगी. बस 7 दिन के बाद भी इसे कंटिन्यू करना आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज में भी, और आप फिर इंग्लिश मूवीज देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नए वर्ड सीखना वो स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन पहले ये तीन बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश प्रैक्टिस करने में, नहीं तो आपको सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं. और एक चीज, प्रैक्टिस करने में अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, मुझे मालूम है कि सबके कंडीशंस और बाद में सबके सिचुएशन अलग अलग है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे. सो ये प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और नहीं करना है कमेंट सेक्शन में तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो. मैं पर्सनली वो आपके प्रॉब्लम्स को देखना चाहूंगा और आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा. और एक चीज आपको करनी है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जो भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वीडियो उनको बिल्कुल शेयर करना. नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मुझे सजेस्ट करना मत भूलना. Till then guys, bye, take care and have a nice day. See you in next video.